शेर अफजल मरवत साहब, आपके सोशल मीडिया से लोगों को बहुत प्रॉब्लम है, क्या वजह इसकी? प्रॉब्लम अगर हैं तो मुझे ठकी की परवाह ही नहीं है। हर एक काउंसलर तक के लेवल ने अपने सोशल मीडिया ग्रुप्स बनाए हुए हैं। मैं किसी को जवाबदेह नहीं हूँ कि मैं उनसे पूछ के सोशल मीडिया ग्रुप बनाऊँ, तो लिहाजा मैं बना रहा हूँ, बल्कि बना चुका हूँ। 5 तारीख को लॉन्च होगा। जो लोग गालियाँ देते हैं, जो लोग मेरे खिलाफ कंपेन करते हैं, उन्हीं के लिए मैंने बनाई। 5 तारीख तक सब्र करें। ये कहते हैं गालियाँ देंगे, कोई जवाब न दें। ये कहते हैं कंपेनें करेंगे आपके खिलाफ। जो कंपेन करेगा 10 गुना कंपेन आप करेंगे, जो गाली देगा उसको मौके पे जवाब देंगे। 5 तारीख आने दें। क्या क्या पाँच आपने कहा, ट्वीट में भी कहा था कि लोग जो हैं मैंने इनलिस्ट किए हैं, उनकी ट्रेनिंग जारी है। इनमें से कोई 4-4.5 हज़ार लोग सोशल मीडिया में फेसबुक पे थे, उनको ट्विटर पे लाए हैं, और इंशाल्लाह जो हैं इस 10 हज़ार के बाद भी हम इसको फर्दर एक्सपेंड करेंगे। तो ये वॉलंटियरली काम कर रहे हैं या फिर पैसे मुआवजा? सारे वॉलंटियर हैं। इसमें तकरीबन 5 हज़ार लगभग लोग मेरे अपने हल्के से हैं, बहुत सारे मेरे अपने कबीले के हैं। आई नीडेड देयर हेल्प, मुझे उनकी मदद दरकार थी। ऐसा खास क्या जो सबसे अलग है जिसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम है? देखिए, मेरा अपना एक नुक्ते नज़र है, और मेरे नुक्ते नज़र को बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वॉलंटियर जो हैं उसको एक्सपेंड करते हैं, फैलाते हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि जिस अंदाज में हमें अपना काम सोशल मीडिया पे करना चाहिए वो अभी बहुत कम है। इसके लिए ऑर्गेनाइज्ड हमारी मूवमेंट होनी चाहिए, और इस सिलसिले में देखिए एहतजाज होते हैं, जलसे होते हैं, जुलूस होते हैं। मैं आपको मिसाल दूँ, पेशावर में हमारी रैली थी, तो पेशावर में रैली में पूरे लोग पेशावर में फिर रहे थे, किसी को पता ही नहीं था कि इस पेशावर प्रेस क्लब में रैली रखी गई है। ये मेरा काम तो नहीं है ना, ये सोशल मीडिया के ज़रिए ये बात फैलानी चाहिए। तो लिहाजा अब इन तमाम ताकि जगह का वाज़े तौर पे पता हो, तारीख का पता हो, बाकी जो मुझसे रिलेटेड डेवलपमेंट्स हैं और जो मैं कहना चाहता हूँ। तो बाकी ये जो हर चीज़ में इल्ज़ाम तराशियाँ हैं ना, अब हम आदी हो गए हैं। ये 5 तारीख तक सब्र करें। ये कहते हैं गालियाँ देंगे, कोई जवाब न दें। ये कहते हैं कंपेनें करेंगे आपके खिलाफ, जो कंपेन करेगा 10 गुना कंपेन आप करेंगे, जो गाली देगा उसको मौके पे जवाब देंगे। 5 तारीख आने। अच्छा शेरुज़ल मरवत साहब, 6 तारीख को परेड ग्राउंड में आप जलसा कर रहे हैं, बड़ी तादाद सुनने में आ रही है, लेकिन क्या कैदीन में से बाकी जमातों में मौलाना फजल रहमान को या शेख रशीद को दावत देंगे? उनकी भी सोच आपकी इस तरह मिलती जुलती है? मेरा काम जलसे जुलूस, एहतजाज, रैली, इनसे मेरा था। कौन अच्छा, आ रहा है कौन नहीं आ रहा अच्छा, है ये खान साहब फैसला करते हैं, और इसके लिए दूसरी टीम है दावत देना बुलाना। शेर अफजल मरवत साहब, खान साहब की डायरेक्शन पर आप जलसा करने जा रहे हैं, आपको जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं, तो जो अहम खिताब होगा, खान साहब तो जाहिर सी बात है अडियाला जेल में है, उनकी जगह अहम जो लीडिंग खिताब होगा, स्पीच होगी, वो किसकी होगी? आप करेंगे खान साहब के भी ऑफर या कोई और करेगा? नहीं, पूरी क़यादत करेगी ना। अब जो लास्ट स्पीच होती है, जो खिताब आवाम को पसंद आए वही वही खिताब जो है ना, ड्रामा तैयार। आखिरी खिताब खान साहब करते हैं ना, तो आप जब जलसा होगा तो आखिरी खिताब आखिरी पे नहीं होगा, जिस जबान से अल्फाज ऐसे निकलेंगे कि वर्कर को पसंद आए, पाकिस्तान की तर्जमानी करें, वो खिताब माना रखे। कितने लोग आ रहे हैं इस जलसे में, कहां कहां तक कारकुनों को दावत दी जा रही है? हम तवक्को रखते हैं लाखों की तादाद में लोग आएंगे, इजाज़त इसकी मिल चुकी है, और इंशाल्लाह अगर खुदा नख्वास्ता कोई तारीख की तब्दीली फिर हुई, अदरवाइज हम इसको 6 तारीख को। अजमा बुखारी ने कहा है कि हम पंजाब हुकूमत से 3 अरब रुपए का एक हेलीकॉप्टर लेने लगे हैं जो कि आवाम की खिदमत में इस्तेमाल होगा। आवाम की खिदमत करना इनको सही तरीके से आता है, इसलिए तो 3 अरब का हेलीकॉप्टर ले रहे हैं। हेलीकॉप्टर तो 10 करोड़ पे भी आता है, लेकिन 3 अरब का इसलिए ज़रूरी है ताकि वही 3 अरब रुपये जो हैं टैक्सों की शक्ल में आवाम की काल उधेड़ने के लिए लगाए जाएँ। आपको पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन नामजद किया गया अपोजिशन की जानिब से, तो कमर कस ली आपने मरवत साहब? नोटिफिकेशन होने दे, इसके बाद कमर भी कस लेंगे। हाँ। अच्छा, ईद के बाद के आपके क्या प्लान्स हैं, किस तरह से जो है वो मामलात लेकर चलेंगे? जलसे करेंगे, लॉन्ग मार्च करेंगे, किस तरह की स्ट्रेटजी? सब कुछ करेंगे। लाहौर और कराची में इब्तदाई बड़े जलसे करेंगे, और कल इस हवाले से पार्लियामानी कमेटी का इजलास भी हुआ, तो मैंने इस्तेदा भी किए हैं कि जो लीडर हजरात इस एहतजाज में मेरे साथ आना चाहते हैं वो वॉलंटियर कर लें, क्योंकि अब ये एहतजाज एक बंदे का काम नहीं है,
सब ने मेरे साथ निकलना होगा। अच्छा, मौलाना फजलुर रहमान ने शाज़िब खान ज़ादा के प्रोग्राम में कहा है कि तहरीक इंसाफ के रवैये में मस्बत तब्दीली आई है, तो क्या इस तरह के मामलात नहीं हो सकते कि इकट्ठे मिल के जद्दोजहद करें, क्योंकि वो भी इलेक्शन में धांधली के ख़िलाफ़ जो है वो कर रहे हैं, आप लोग भी इस पर जो है वो बरसर पेकार हैं। एक चीज़ की कन्फ्यूजन है मुझे, मौलाना साहब का मुकाबला तो हमारे साथ हुआ है, उनको तो आरा पीटिया ही नहीं, अगर वो धांधली के अलम बुलंद कर रहे हैं तो क्या वो धांधली हमने की है? लेकिन वो कहते हैं कि ये इलेक्शन तो इमरान खान जीता है और जिनको जीता है उनको हुकूमत मिलनी चाहिए, जो हुकूमत बैठे हैं वो सही तरह नहीं जीत के, फॉर्म 47 की पैदावार है, वो इस बात को तस्लीम करते हैं। अगर वो ये तस्लीम करते हैं फिर उनके धांधली का बयानिया ज़रा बढ़ जाता है। अच्छा, ईद के बाद तो वो जमीयत उलमा इस्लाम और जमात इस्लामी मिलके जो है एहतजाज के लिए बाहर निकल रहे हैं, ऐलान किया हुआ है, तो उनके साथ चलेंगे? हाँ इंशाल्लाह। अच्छा ठीक है सर, शेर अफजल मरवत साहब, पीटीआई और इमरान खान के हक़ में इस वक्त हवाएँ बहुत तेज़ी के साथ चलना शुरू हो चुकी हैं, गुज़श्ता रोज़ का फैसला आपके सामने है, हमाद अज़हर भी सामने आ चुके हैं, बुशरा बीबी की भी जो सज़ा है वो मुअत्तल हो चुकी है, तो काफ़ी मामला बेहतरी की जानिब जा रहे हैं, तो ये मेरिट पर सब कुछ हो रहा है या कोई बैकग्राउंड में मामलात चल रहे हैं आप लोगों के या बैकडोर में? हमें बेयर मिनिमम रिलीफ मिलती है, बेयर मिनिमम जो कम से कम हो सकती है, और जब वो भी मिल जाती हैं तो फिर आप इसको डील का नतीजा करार देने लगते हैं, यानी कि अब अदालतें जो हैं उनके हर फैसले पे शक किया जाना जो है वो भी इंतहाई नामुनासिब है। इसमें क्या हमें डील दरकार है, कौन सी डील, क्या रहेगी डील करने के लिए? वो रिजर्व सीटें तक इन्होंने छीन ली, मैंडेट चोरी कर लिया, 2 साल मारा पीटा, लीडर जेल में हैं, उनकी बेगम जेल में हैं, उनके रिश्तेदार जेल में हैं, क्या स्टेक्स रह गए हैं डील के लिए? अगर साइफर में रिलीफ आज मिल जाता है तो फिर उसके बाद कितना वक्त लगेगा बाहर आने में इमरान खान साहब को? फिर वो जो इद्दत का केस है उसमें सज़ा मुअत्तली, और ये जो अलकादर यूनिवर्सिटी केस है उसमें बेल। इद्दत वाला केस जो है कितना स्ट्रॉन्ग है, क्या उसमें आर्गुमेंट्स हैं, क्या ग्राउंड्स क्या है उस केस के, कितनी देर खान साहब उसमें रखे? इद्दत वाला केस उतना ही स्ट्रॉन्ग है जितना लफज स्ट्रॉन्ग है। इद्दत का केस एक मजाक है और इखलाकियात हमारी माशरती अकदार का इन्होंने बलात्कार कर दिया, किया इन्होंने। वो मानिका साहब को ले आए, उन नौकर को ले आए, खान के नौकर को ले आए, ये इंसानियत से गिरी हुई हरकतें थी। ये इद्दत केस जो हैं, मैं चूंकि इसमें वकील रहा हूँ तो मुझे इल्म है कि ये इद्दत केस कानूनन चल ही नहीं सकता था, जज साहब ने बिल्कुल कानून को पामाल किया है, और जो 6 जज साहिबान ने लेटर लिखा है ना कि मातहत अदलिया पे प्रेशर है, यही फैसले आने थे। खबर मनी का तो कहते हैं मेरा घर तबाह हो गया है, मैं उजड़ गया हूँ, मेरे साथ ज्यादती हुई है। खबर मनी का जैसे शख्स के लिए कोई जवाब देना भी मेरा ख्याल है कि मेरे ग्रे से मुताबिकत नहीं कहता है। जो इस शख्स ने किया 2017 में इसने बयान दिया, 6 साल बाद आके उसने दूसरा बयान दाग दिया, और एक शख्स जो है जब अपनी शर्म और अपनी गैरत इस तरह आवाम में आके सिर्फ और सिर्फ ब्लैकमेलिंग की वजह से आवाम के सामने आशकारा करता है, उस शख्स की कोई औकात ही नहीं है, उस शख्स की कोई हैसियत ही नहीं है, बहरहाल एक मकरू किरदार है। अच्छा, अली अमीन गंडापुर और खान साहब की भी गुज़श्ता रोज़ जेल में मुलाकात हुई है, इस मुलाकात का क्या मकसद था, किन उमूर पर बातचीत की गई है, इस हवाले से आपके पास इंफॉर्मेशन? मुझे इसका इल्म नहीं है, अली अमीन खान साहब से अभी थोड़ी देर पहले मेरी बात हुई है, लेकिन मुझे मुलाकात के हवाले का इल्म नहीं है।